इनकी ना स्टोरी लाइन बिल्कुल ही अलग है चलो ग्राइंड से शुरू करते हैं अगेन द डोमिनेट इन राउंड थ्री में तो ऐसा खेल रहे हैं कि हर लोग अलग बैठ के अलग अलग टीम ये तीन प्लेयर्स बचे थे उनके मेरा माल का मैच था ये चार बंदे फिल रहा है ये चार बंदे पेल रहा है ये चार बंदे फिल रहा है लाइक इट वॉज क्रेजी सॉरी मैं कहाँ जहाँ पे टाइप कर रहा हूँ नहीं रहा आपको हटाते हैं हाँ सो आई जस्ट डोंट नो क्या खिलाया यहाँ पे टीम एक्स वाक के प्लेयर्स ने क्या खाया टीम एक्स वाक के प्लेयर्स ने बट क्रेजी हो गया और आई थिंक वहां पे क्या हुआ था ना कि वहां पे इंडिविजुअल लेवल पे प्लेयर्स चल रहे थे देखो अभी तक राउंड तक ऐसा नहीं था कि एज अ टीम वो खेल रहे थे नहीं राउंड तक इंडिविजुअल लेवल पे प्लेयर्स चल रहे थे राउंड yeah. थ्री तक इंडिविजुअल लेवल पे खेल रहे थे एज अ टीम नहीं खेल रहे थे बट जैसे जैसे राउंड बढ़े जैसे जैसे टाइम बीता जैसे जैसे और बेटर हुए भाई टीम एक्स पार्क प्लेड लाइक अ टीम जो टूर्नामेंट जीतने वाली है समझ रहे हो दे प्ले लाइक अ टीम दे दिगर्ड आउट हाउ टू यूज प्ले गॉट द फिगर आउट के शाडो की याचलिंग के अंदर कैसे खेलना है फिगर आउट की टीम को कैसा है द फिगर आउट की उनकी स्ट्रेटेजी क्या है और इसका एक बड़ा श्रेय में ऑस्मिम को भी देने वाला हूँ भैया ऑफकोर्स बो बिग शाउटआउट टू कोच ऑस्मिम बिकॉज जिस तरह से उसने इस टीम को बनाया वो बहुत क्रीजी था क्योंकि एक समय पर लगा था कि टीम में टीम का ही नहीं है इट नॉट अ टीम ऐसे लग रहा है कि चार इंडिविजल प्लेयेस खड़ा किया वेलने वाले बट यहाँ तक पहुंचते पहुँचते सेम फाइल्स वीक वन तक पहुंचते पहुंचे मुझे लगा कि हाँ भाई ये है टीम ये है टीम जो जीत सकती है ये है टीम जो टूर्नामेंट जीत सकती है एंड आई स्टिल फील के एक्सपाक को मैं टॉप थ्री में रख रहा हूँ अपने इट्स अ टीम जो टॉप थ्री आने वाली है डेफिनेटली टॉप थ्री आने वाली है